गोरखपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक DIGJ रविंद्र कौर ने बाबर के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक बाबर का परिवार एक और आरोपी का नाम ले रहा है, जिसको लेकर जांच की जा रही है, और उनके चुनाव जीतने पर मिठाई भी बांटी थी। पत्नी ने थाने में दी तहरीर में इस बात का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि BJP समर्थक होने के नाते उनके पट्टीदारी के लोग खार खाए हुए थे। 20 मार्च की शाम करीब 7 बजे उसके पट्टीदार अजीमुल्ला, आरिफ पुत्र अजीमुल्ला, सलमा पत्नी छोटेलाल, ताहिर पुत्र ईशा सहित अन्य लोगों ने उसे मारा पीटा, जिस कारण बाबर को गंभीर चोटें आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।